शहंशाह का आदेश है कि या तो इधर आ जाओ या जेल चले जाओ। खुदरा पोर्ट पे कितनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई, वहां तक ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, इनकी औकात नहीं कि घंटी बजा दे। तो भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करता, जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाना चाहिए, लेकिन चुनिंदा नहीं होना चाहिए। देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब या तो गुलाम शब्द कह लो या मोदी की मुट्ठी में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश के हर नागरिक को सड़कों पर आना पड़ेगा। न्यायपालिका भी दबाव में है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा है। हाउस अरेस्ट करना हमारे संविधान में लिखा ही नहीं, तो ये संविधान की हत्या है या नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है। कार्यकर्ता ही पदाधिकारी बना दोगे तो लोकतंत्र बचा कहाँ। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे हरिंदर ताऊ मौजूद हैं, इनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, किसानों पर भी बात करेंगे और देश में क्या कुछ चल रहा है। जो देश में चल रहा है, अभी चंडीगढ़ में आपने देखा, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया और चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में भी आपने देखा क्या कुछ हो रहा है देश में, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हरिंदर ताऊ, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को, ताऊ का राम राम। देश में जो कुछ चल रहा है, लोकतंत्र कितना अभी तक बचा हुआ है, कितना सुरक्षित है लोकतंत्र, क्योंकि अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में महज 36 वोटों का जो चुनाव था उसमें इतनी बड़ी धांधलीबाजी की गई, उसमें जो है बीजेपी के जिसके 15 वोट थे उसको जो है बिठा दिया जाता है कुर्सी पर, वहीं पर गठबंधन की 20 वोट होती है वो हार जाती है। देखिए, ये इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या जी, और ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्योंकि जिस जब लोकतंत्र का प्रहरी ही गलत करने लगे, जब अधिकारी ही गलत करने लगे तो फिर बचा क्या। लेकिन उसको अधिकारी बनाया किसने, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है, और जब कार्यकर्ता ही पदाधिकारी बना दोगे तो लोकतंत्र बचा कहाँ। वो वीडियो वो पूरे देश ने देखी, जिस तरह से प्रिसाइडिंग अफसर ने एक एक करके 8 वोटों को जो है रद्द कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ जी, उस अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दें और वो जीवन भर जेल से बाहर ना आए, ऐसी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो न्यायपालिका की रक्षा के लिए बैठा था, न्याय अधिकारी था, वो दंडा अधिकारी था, और वो अपने पद की गरिमा को भूल करके गुलामियत में आ गया, तो ऐसा अधिकारी किसी काम का नहीं। आपको लगता है क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा या उसके खिलाफ, क्योंकि कोर्ट ने भी 3 हफ्ते का समय दिया है अनिल मसीह को, जो प्रिसाइडिंग अफसर थे, 3 हफ्ते का समय दिया है। देखिए, न्यायपालिका भी दबाव में है और देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब या तो गुलाम शब्द कह लो या मोदी की मुट्ठी में है, तो यही तो लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र, ये आपने देखा चंडीगढ़ में, जब जनता के चुने हुए नुमाइंदों की वोट आप खारिज कर दोगे तो लोकतंत्र बचा कहाँ। संविधान के अनुसार, संविधान की शपथ लेके आए हुए लोग हो जाएं, भ्रष्टाचारी हो जाएं और वो संसद में बैठे रहें और बेटियां सड़कों पर न्याय मांगती रहें और न्याय ना मिले, बेटियों को ही घसीटा जाए, तो लोकतंत्र बचा कहाँ, संविधान बचा कहाँ। भ्रष्टाचार को तो आज बीजेपी जो है भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है भाजपा, यहीं से कुछ दूरी पे आज जहां ये आम आदमी पार्टी का जो है प्रदर्शन था, वहीं इससे कुछ दूरी पर जो है बीजेपी का जो है प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, और भ्रष्टाचार, आपने भ्रष्टाचार की बात करी ना, तो भ्रष्टाचार तो बीजेपी खत्म करी, देखिए एक एक करके कैसे ईडी और सीबीआई के जरिए कैसे विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आपने देखा, झारखंड के मुख्यमंत्री को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अभी तक जेल में है पिछले 1-1.5 साल। ठीक है, हाँ बिल्कुल,
लगभग एक साल के आसपास हो गया। पहले आप दिल्ली पे आ जाओ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को ये नहीं बता पाए कि भ्रष्टाचार हुआ कैसे, वो ईडी भी नहीं बता पाई, वो पैसा बरामद नहीं कर पाई। और जैसा रहा झारखंड का, वहाँ किसने, जो पहले से एक आरोपी है, उसने झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम लिया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री पे का नाम लेते के साथ उसको उठा करके जेल भेज दिया गया। और देश के प्रधानमंत्री पर संसद के अंदर 20,000 करोड़ का आरोप लगा, लेकिन उसे नहीं भेजा गया। मुद्रा पोर्ट पे कितनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई, वहां तक ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, इनकी औकात नहीं कि घंटी बजा दें। तो क्या कहोगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश के हर नागरिक को सड़कों पर आना पड़ेगा। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार हुए, उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले जो है समन जारी किए गए थे, कम से कम तकरीबन 9 से 10 समन उनके पास गए। लेकिन वहीं अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उनके पास भी अब तक 4 से 5 समन पहुंच चुके हैं। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की भी किसी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है? और आज जिस तरह से जो दिल्ली में आपने देखा, आईटी में आप यहाँ मौजूद हैं, तमाम जो चीज़ें देखी गई, छावनी में तब्दील कर दिया गया, और प्रदर्शनकारियों पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तमाम पार्षदों को, विधायकों को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्या ये लोकतंत्र में ये सब चीज़ें बताओ, हमारे संविधान में लिखा है कि प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा है। हाउस अरेस्ट करना हमारे संविधान में लिखा ही नहीं, तो ये संविधान की हत्या है या नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है, तो यही हम कह रहे हैं। दूसरी चीज़, जो भ्रष्टाचारियों, मैं भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करता, जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाना चाहिए, लेकिन चुनिंदा नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति पर देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से 70,000 करोड़ रुपये का घोटाला आरोप लगाता हो, देश का प्रधानमंत्री, और 3 दिन बाद वही अजीत पवार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन जाता हो, तो क्या देश का प्रधानमंत्री बता सकता है कि उन 70,000 करोड़ में से कितना हिस्सा देश के प्रधानमंत्री के पास आया है? ऐसे तो जी, आपने अजीत पवार का नाम गिनवाया है, ऐसे तो कई नेता हैं असम के, आप असम का मुख्यमंत्री, उसको देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा, ये जाता है दुनिया का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है जी, और बीजेपी में आया, तो ये कौन सी वाशिंग मशीन है कि जो इधर आ जाए। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, शहंशाह का आदेश है। आपने जिन नेताओं के नाम गिनवाए, ऐसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है जो भाजपा में शामिल हुए हैं, जिनके ऊपर जो है ईडी और सीबीआई रेड पड़ने वाली थी, लेकिन एकदम से वो पाला बदल के जो है वॉशिंग मशीन में या कहें कि धुल करके आ गए और वो एकदम पाक साफ हो गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, शहंशाह का आदेश है कि या तो इधर आ जाओ या जेल चले जाओ। तो झारखंड के मुख्यमंत्री वो किसका वंशज है? वो बिरसा मुंडा जी का वंशज है, आदिवासी है वो। बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े थे, वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, तो वो गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, ये काले अंग्रेजों से लड़के ये भी नहीं झुका। और जिस दिन हेमंत सोरेन बाहर आएंगे, वो आदिवासियों के हीरो बनकर के बाहर आएंगे। अभी जो इस्तीफा देने के बाद में चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए, शपथ लेने के लिए, वो जो है राज्यपाल के आसपास जो है 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राज्यपाल गायब हैं। देखिए, गायब नहीं है, वो भी संवैधानिक पद पर बैठकर गुलामियत कर रहे हैं। देखिए, एक बिहार का मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, 5 मिनट बाद उसको फिर शपथ लेने के लिए राज्यपाल समय दे देता है, और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री पूरा बहुमत लेकर के
राज्यपाल से कहता है कि हमें शपथ देने की करो, राज्यपाल समय नहीं देता क्योंकि शहंशाह का आदेश है, रुकिए जरा थोड़ी खरीद फरोख्त हो जाए। तो ये बिहार के उपमुख्यमंत्री भी रडार पर हैं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री भी रडार पर हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भाजपा जानी जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करते करते आज वो जो है विपक्ष को ही खत्म कर रही है। देखिए, अगर इसी तरह भ्रष्टाचार खत्म करते करते भ्रष्टाचार युक्त बीजेपी हो गई है। अच्छा। देखिए, रडार पर वो उसका बिहार के तेजस्वी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अजी वो उद्धव ठाकरे का लड़का है, शरद पवार का नाती है, ममता का भतीजा है, और स्टालिन परिवार है, और हेमंत गया ही, आप ये मान रहे हो, मायावती है, अखिलेश है, ये भी रडार पे हैं। अच्छा, तो धीरे धीरे करके या तो या और आप वो भी छोड़ दिया, राहुल गांधी भी रडार पर हैं, सोनिया गांधी भी रडार पे हैं, प्रियंका गांधी भी रडार पे हैं। अच्छा। तो ये सारा विपक्ष जिस तरह इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेजा था, उसी तरीके से आज अघोषित एमरजेंसी है और सारे नेताओं को जेल भेजा जा रहा। उस समय एमरजेंसी में जो नेता जेल से लड़े थे वो जीत कर आए थे क्योंकि जनता चुनाव लड़ी थी। तो इसी तरीके से 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, किसान अपनी MSP के लिए, युवा अपने रोजगार के लिए अग्निवीर खत्म कराने के लिए, महिलाएं अपने सम्मान के लिए, देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए, और देश का जो ड्राइवर वर्ग है वो हिट एंड रन को वापस कराने के लिए चुनाव लड़ेगा। और जब देश की जनता आती है तो वो एक ही नारा देती है, सिंहासन खाली करो, देश की जनता आती है। 400 पार का इस बार जो है नारा लगा रही है भाजपा। देखिए, अगर 400 पार का बीजेपी के पास टारगेट होता तो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह फड़फड़ाते नहीं। जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे हैं वो 200 के नीचे दिखा रहे हैं, तभी तो ये फड़फड़ा रहे हैं कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है उसको तोड़ो, और वहाँ या तो अपनी सरकार बनाओ या सरकार में शामिल हो जाओ ताकि वहाँ अधिकारी अपने नियुक्त किए जा सकें, ये इनकी रणनीति है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी युवाओं की भी, किसानों की भी, महिला सुरक्षा को लेकर के भी, महिलाएं भी आज सुरक्षा हैं भाजपा सरकार में, युवाओं को भी जो है भरपूर रोजगार मिल रहा है, किसानों की आय दोगुनी कर दी भाजपा सरकार ने। नहीं, किसानों की आय अगर दोगुनी हो जाती, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, एक तो खर्चा दुगना कर दिया। अच्छा। और किसान के खाद का एक बोरी आती है जो 50 किलो की आती थी, 5 किलो पहले चोरी कर ली और 5 किलो अब चोरी कर ली जी। तो ये आय थोड़ा ही है। अभी सुनने में आ रहा है कि आपका कुछ प्रदर्शन भी है, ये 13 फरवरी को देश का किसान अपना ट्रैक्टर लेकर, क्योंकि किसान का ट्रैक्टर ही टैंक है, तो 13 फरवरी को देश का किसान दिल्ली कूच कर रहा है अपने उन वादों को, सरकार को वे वादे याद दिलाने के लिए जो सरकार ने लिखित में 13 महीने के आंदोलन में दिए थे कि MSP पे गारंटी का कानून बनेगा, जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, 52,000 मुकदमे हैं उस आंदोलन के 13 महीने के भारत के किसानों पर, वो वापस होने थे, जो किसान 750 किसान शहीद हुए थे उनको कंपनसेशन मिलना था, तो सरकार उससे मुकर गई, तो अब वो आ रहा है, और इस बार आर पार के लिए आ रहा है, 6-6 महीने का राशन लेकर आ रहा है। अच्छा। तो सावधान दिल्ली, भारत का किसान अपना टैंक लेकर के आ रहा है। 6 महीनों के लिए आपने बताया इस बार दिल्ली कूच करने वाले 6 महीनों के लिए, लेकिन कुछ ही वक्त में, महज 2-3 महीने का वक्त रह गया लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है इस बार पारदर्शिता से चुनाव मुमकिन है? देखिए, जिस तरीके से सरकार चली हुई है इस तरीके से तो नामुमकिन है, जनता को आना पड़ेगा,
जनता को काउंटिंग घेरनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। अपने बच्चों का अगर भविष्य बनाना है, इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो संविधान को बचाना है। तो मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि अगर संविधान प्रेमी हो, लोकतंत्र प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, तो एक साथ आकर के एक छतरी के नीचे आकर के वोटिंग कर देना। राजनीतिक पार्टियाँ दोबारा खड़ी की जा सकती हैं। अगर संविधान चला गया तो दोबारा संविधान नहीं आएगा। सुनने में जो लोग हैं वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, अगर 2000 लोकसभा के चुनाव में अगर भाजपा फिर से वापस आती है तो 24 के बाद जो है देश में कोई भी चुनाव नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, संविधान को खत्म करते जा रहे हैं ये लोग, संविधान को मानती नहीं है बीजेपी, तो ये मनुस्मृति लाएगी। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की ये बहुत बड़ी चाल है कि देश से संविधान खत्म करो, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का इस देश की आज़ादी में कोई हाथ नहीं था। तो जब भी इन पर आरोप लगता है तो वो यही लगता है कि देश की आज़ादी में इनका कोई हाथ नहीं है। तो ये उस संविधान को, उस इतिहास को ये ख़त्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं, और मनुस्मृति में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गुलाम हो जाएगा, और ये गुलाम बनाना चाहते हैं। देखिए, जब जब देश में तानाशाह आया तो तानाशाह एक ही काम करता है कि वो अनपढ़ और कमज़ोर बनाता है देश की जनता को, क्योंकि हमेशा राज अनपढ़ और कमज़ोरों पे किया जाता है। जो पढ़ा लिखा होता है वो सत्ता से सवाल करता है, और सवाल करना इन तानाशाहों को पसंद नहीं है। जब भी कोई सवाल करता है तो उसको देशद्रोही बता देते हैं। तो देशद्रोही ना बने, देश की जनता देशभक्त बने, और जो तुम्हें देशद्रोही कहता हो उसे देश से बाहर भगाओ। जी, आपसे आखिरी सवाल, क्या देश में आज लोकतंत्र खतरे में, क्या तानाशाही आ चुकी है सरकार का, जो तानाशाही रवैया, देखिए यही माना जाएगा? ये इन्होंने दिखा दिया, चंडीगढ़ का चुनाव वो इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से देश की जनता ईवीएम का विरोध कर रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए। देखो, एक कहावत है कि एक राक्षस की जान एक तोते में थी, तो राक्षस को कोई मार नहीं पा रहा था। फिर एक व्यक्ति ने बताया कि राक्षस नहीं मरेगा तुमसे, इस तोते की गर्दन मरोड़ दो, राक्षस मर जाएगा। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी की जान ईवीएम में है, और जैसे ही जनता ने ईवीएम पर चोट करनी शुरू करी तो नरेंद्र मोदी बिलबिला गया, क्योंकि वो जनता की वोट नहीं चाहिए इनको, क्योंकि इनको जनता की वोट चाहिए ही नहीं, ये तो ईवीएम में खेल करते हैं और अपने अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं। ईवीएम को लेके भी एक जन आंदोलन सड़कों पे उतर गया। उतरना चाहिए जनता को। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर से जब भी आंदोलन हो तो आ रहे 13 तारीख को किसान दिल्ली, अग्निवीर खत्म करानी है, युवाओं से अनुरोध है चलो दिल्ली, महिलाओं को सम्मान लेना है चलो दिल्ली, पुरानी पेंशन लेनी है कर्मचारियों से कह रहा हूँ आओ दिल्ली, किसान एमएसपी पे दिल्ली आ रहा है, हैं? देश के ड्राइवर वर्ग से अनुरोध करता हूँ कि हिट एंड रन काले कानून की तरह वापस कराना है तो आओ दिल्ली, देश की हर समस्या का समाधान किसान आंदोलन बन के जाएगा इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरिंदर ताऊ, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर, मैं कोमल शिशोदिया कैमरा पर्सन नवीन के साथ।